उनके साथ भी भर भर के जुल्म हो रहा है, भर भर के माइनॉरिटीज के मन तोड़े जाते हैं। अब अगर कहीं पे मस्जिद तोड़ी जाए, काउंसलिंग ओ करते फो हैं, गुनाह आप हो चले गया जाओ मस्जिद चले तोड़ने, जाओ क्या पाकिस्तान के वो लोगों के ये नहीं है? वो लोगों में पाप नहीं होता है? वो लोगों में कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं होता? उनकी कोई रिलीजियस फीलिंग नहीं होती है? मतलब अपने इस्लाम को तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो, लेकिन जब बात आती है दूसरे के रिलीजन की तो नहीं यार, ये तो है ही नहीं। इस्लाम में तो क्लियरली इस पे बोला गया है, हाँ मंदिर थोड़ा पाप बोला गया है। एग्जाम्पल यहाँ पे मेजोरिटीज अगर देखे जाए तो हिंदूज की है, लेकिन स्टिल किस प्रकार से वो हर एक के लिए कानून नाफिज करते हैं जो किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को ठेस ना पहुंचाए। तो ये चीज मुझे अपनी कंट्री की बहुत ज्यादा पसंद है, ये चीज मुझे अपनी कंट्री में एक मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं भारत में पैदा हुई। और वही बात अगर करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमेशा से ही इस्लामोफिलिक सोसाइटी चलाता आ रहा है। बस भाई अगर तुम लोगों को रिलीजन पे ध्यान देना था, अगर तुम लोगों को रिलीजन का ही ये रखना था, तो कंट्री ये की क्यों कायम, कंट्री क्यों बनाई तुम लोगों ने? तो फिर वहां पे माइनॉरिटीज है ही क्यों? मुझे आप बोलिए, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान जानता है ग्लोबली, इंटरनेशनल फोरम जानते हैं कि भारत में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है जो बाकी रिलीजियस सेंटिमेंट, बाकी लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को प्रमोट एक करे। मिनट, यहाँ आपको जरा सा टोकती चलूं। का हब का जो दैट इज व्हाई आज इस्लाम बदनाम है। अब आप बात कर रहे हो गौ माता की, तो या हम इस हमें तो इंडिया में आज तक ऐसी, हम भी बकरा ईद, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं भी 20 सालों से यहाँ पे हूँ, और 20 सालों से मैं कंटिन्यूअसली ईद उल फित्र भी और ईद उल अजहा भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे तो कुर्बानियां होती है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि मतलब ये मैंने मतलब मैं गाय माता की क्या बात करूं कि मतलब अगर किसी हिंदू के सामने मुसलमान वो चीज कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो वो गलत है, बिकॉज वो किसी के रिलीजन। और या दिस इज इंडियन कश्मीर, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड सोन पीओके विल बी द पार्ट ऑफ दिस कश्मीर ऑल्सो, जहाँ पे मतलब आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तो बनेगा ही बनेगा, बिकॉज उन लोगों के साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ, हर वैसे वैसे पाकिस्तान का मुझे प्रोपेगेंडा समझ ही नहीं आता है, अपने लोगों के साथ जुल्म करता है और बात छेड़ता है पाकिस्तान, बात छेड़ता है कश्मीर की। पहले अपने मुल्क में तो मसले सुलझाओ, पहले अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ थोड़ा बहुत इंसाफ करो, तब जाके कश्मीर का फिर से प्रोपेगेंडा चलाओ वो इंटरनेशनल लेवल पे। बस वही बात, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, हमें कोई गवर्नमेंट हम इंडियंस बहुत रिसर्चर्स होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियंस बातों पे रिसर्च करते हैं, इंडियंस नॉलेज गेन करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो जो जिस फील्ड में होता है ना, वो उस फील्ड की नॉलेज रखता है। जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इस फील्ड से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने फील्ड के रिलेटेड जो है नॉलेज रखेंगे। तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री यहाँ पे भी पढ़ाई जाती है, हमें भरपूर आइंदा के बाद होली नहीं खेली जाएगी। बहुत सारे आर्टिकल्स में ये वजह सामने आ रही है कि वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे थे अपने रिलीजन को लेके। पाकिस्तानी मुस्लिम्स अपने रिलीजन को लेके इनसिक्योर हो रहे थे कि होली को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने से, इस तरह के फेस्टिवल्स को ज्यादा सेलिब्रेट करने से इस्लाम खतरे में पड़ रहा है। ये है पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के लिए पाकिस्तान की मेजोरिटी का फैसला। आप लोग भी पाकिस्तान के सेकंड मेजोरिटी, इंडिया की सेकंड मेजोरिटी है, मुस्लिम्स है वहां पे, हिंदूज की हुकूमत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत ने ये डिसीजन लिया है माइनॉरिटीज को लेके, क्या वहां पे आपके यहाँ इस तरह के कोई डिसीजंस लिए जाते हैं? क्या मुस्लिम फेस्टिवल्स को इसी तरह बैन किया जाता है? क्या वो इसी तरह फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि कमिंग डेज में बकरा ईद आने वाली है और कुर्बानी वाली ईद, ईद उल अजहा जिसको कहते हैं, रिसेंटली अभी ईद उल फितर गुजरी है, इस तरह से शबरातें आती हैं और डिफरेंट त्योहार आते हैं, तो क्या फेस्टिवल्स के कोई रुकावट होती है या यही सीन्स चल रहे हैं जो पाकिस्तान में? देखिए, मैं अभी सबसे पहले तो मैं मतलब सभी लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान के इरादे क्या है। पाकिस्तान में हमेशा इस्लामोफिलिक सोसाइटी होती है, जिस प्रकार से मैंने भी एक खबर सुनी थी कि उन्होंने होली इरोजन कहा था कि ऐसे जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल होली को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बोला था कि इससे जो हमारे इस्लाम की इरोजन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री, जिसकी वजह से आप ये दावा करते हैं कि एक इस्लामिक कंट्री है, एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगी तो फिर एक मुल्क नहीं होता है अगर एक कंट्री में माइनॉरिटीज
नहीं रखी जाती है, तो माइनॉरिटीज पीओके के लोगों की भी अगर हम बात करें, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की अगर हम बात करें, तो उन्होंने पीओके लिया ही क्यों है, तो उन्होंने वो स्टेट्स ली ही क्यों है, वो उनको छोड़ क्यों नहीं देते हैं, और साफ तौर पर ये बस एक गंदा माहौल वहां पे क्रिएट करना चाहते हैं, और किया भी है उन्होंने। दैट इज वाई पाकिस्तान बर्बादी की ओर जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करेंगे अपने कंट्री की, तो जो मसले मसाइल और जो मैं इस टाइम पे नामसाइद हालात पाकिस्तान में देख रही हूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गॉड कि जिन्होंने मुझे पैदा इस सरजमीन पे, इस मातृभूमि पे, इस भारत की पाक मिट्टी पे किया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, हम यहाँ पे मुसलमान है, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, और बजात यहाँ पे मेजोरिटी जैसे कि आपसे ही मुझे जानने को मिली, देखिए ये एक इंडिया एक प्रूव करता है अपनी सेक्युलरिज्म, ये इंडिया अपना अप्रूव करता है। इट्स नॉट कि वहां पे सिर्फ हमें बातें ही सुनाई देखने को मिलती है, आप देख सकते हो हर एक त्यौहार यहाँ पे मिलजुल के, एज इट इज अ सेक्युलर कंट्री एंड हियर एवरीवन हैज अ राइट टू फ्रीडम, उनके पास राइट टू स्पीच है, उनके पास सब कुछ है। तो अगर हम बात करेंगे होली की, दशहरा की, या फिर क्रिसमस की, या फिर ईद की, हर एक त्यौहार जो है यहाँ पे मिल बांट के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मनाते हैं, एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता है जो कि हिंदुइज्म को, हिंदुइज्म फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेजोरिटी अगर देखे जाए तो हिंदूज की है, लेकिन स्टिल किस प्रकार से वो हर एक के लिए कानून नाफिज करते हैं जो किसी भी रिलीजन के सेंटिमेंट्स को ठेस ना पहुंचाए। तो ये चीज मुझे अपनी कंट्री की बहुत ज्यादा पसंद है, ये चीज मुझे अपनी कंट्री में एक मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं भारत में पैदा हुई। और वही बात अगर करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमेशा से ही इस्लामोफिलिक सोसाइटी चलाता आ रहा है। बस भाई, अगर तुम लोगों को रिलीजन पे ध्यान देना था, अगर तुम लोगों को रिलीजन का ही ये रखना था, तो कंट्री ये की क्यों कायम, कंट्री क्यों बनाई तुम लोगों ने, तो फिर वहां पे माइनॉरिटीज है ही क्यों? मुझे आप बोलिए, माइनॉरिटीज के साथ कितना जुल्म हो रहा है आप देख सकते हो। क्या किसी दूसरे रिलीजन के लोग इंसान नहीं होते हैं? अब वहां पे जो माइनॉरिटीज हिंदूज है वो क्या करेंगे वहां पे, मतलब उनका भी तो अपना त्यौहार होता है। इस तरह कि आप किसी को जबरन इस्लाम कन्वर्ट कराए, आप ही लोगों की वजह से, इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से जो ये रोज ये गंदे लॉज थोपते हैं सेक्युलरिज्म के बिना ही, एक मोनार्कियल रूल बन गया है वहां पे। तो मैं कहना चाहूंगी ये बहुत ही गलत डिसीजन है, ये माइनॉरिटीज को हर्ट करता है, ये बाकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स जितने भी है लोगों के उनको हर्ट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बट वही पाकिस्तान अगर बात करे, पिछले सालों से वो कश्मीर की बात करता आ रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो वहां पे? मैं एक पाकिस्तानों से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग बार बार कश्मीर का बोल रहे थे, कश्मीर का बोल रहे थे, कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे थे वहां पे पाकिस्तान में? अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ? क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या आप लोग इंसानियत भूल गए हैं? या आप मुझे ये बोलिए कि आप इंसानियत भूल गए हैं या वो लोग इंसान नहीं है? तो मेरा बस यही सवाल रहेगा। कश्मीर को हमेशा मुद्दा बनाया जाता था, कश्मीर के मुसलमान, कश्मीर में जबकि 50% आबादी जो है वो कश्मीरी मुस्लिम की थी और 50% आबादी कश्मीरी पंडित की थी, लेकिन तब भी मुसलमान कश्मीर जो है, कश्मीर हर एक का था, कश्मीर सिख का भी था, पंडित का भी था, मुस्लिम का भी था, ईसाई का भी था। तो हमेशा हमारे नाम पे प्रोपेगेंडा चलाया जाए। अब वहां पे जो स्टेटमेंट्स आप लागू कर रहे हो, अब वहां पे जो कानून, नासा का कानून आप लागू कर रहे हो, मैं आपकी गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप कहाँ गया आपका वो जुल्म, वो वैशीपन? मुझे लगता है कि आप लोग वैशी बन गए, आप लोगों में इंसानियत, ह्यूमैनिटी बची ही नहीं है। तो आई थिंक हमारी कंट्री में, और हाँ वहां पे कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान जानता है, ग्लोबली इंटरनेशनल फोरम जानते हैं कि भारत में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है जो बाकी रिलीजियस सेंटिमेंट, बाकी लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट को प्रमोट करे। यहाँ आपको जरा सा टोकती चलूं, आपने बोला कि भारत में ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाता जो रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम को हमेशा से ये बात पता भी है, दिखाई भी जाती है और बताई भी जाती है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सही तरीके से कुर्बानी की ईद नहीं मना सकता, क्योंकि वहाँ गा माता की पुता पूजा की जाती है, उसको भगवान कंसीडर किया जाता है, तो कोई भी उसकी कुर्बानी नहीं कर सकता। और कुर्बानी वाली ईद को बहुत ज्यादा, मतलब किसी भी एनिमल को सेक्रीफाइस करना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। तो इस लिहाज से मुस्लिम्स को भी वहाँ पे क्या आजादी है या नहीं है, क्या कहेंगे?
ये सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि यू नो किसी को गाय माता को गाय माता समझा जाता है, उनकी पूजा की जाती है तो भगवान माना जाता है, या दैट इज किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स। भाई आप किसी के सामने गाय, फॉर एग्जांपल गाय माता का यू नो उनका मतलब उनके सामने उनका मतलब गला काट दोगे या उनको कुर्बानी करोगे या फिर उनका मीट बांटोगे, तो जो लोग अब उनको उनको भगवान मानते हैं उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे, वो प्रोवोक नहीं होंगे। तो जाहिर सी बात है अगर हम लोग कुर्बानी करते हैं, अगर मुसलमान कुर्बानी करते हैं तो वो खुद, ऑल्दो कि ईद हम सब सेलिब्रेट करते हैं, इवन कि हमें अपने हिंदू भाइयों के मैसेज भी आते हैं, सिख भाइयों के मैसेज भी आते हैं, क्रिश्चियन के मैसेज भी आते हैं, जो आउट ऑफ रिलीजन हमारे लोग होते हैं उनके मैसेज आते हैं, ईद मुबारक, वो हमें ग्रीट करते हैं, वो हमें विश करते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, अगर आप किसी के भगवान को उनके सामने कुर्बान करोगे तो ऑब्वियसली उनके सेंटिमेंट्स प्रोवोक होंगे, वो लोग हर्ट होंगे। बिकॉज अगर आपके सामने आपके अल्लाह ताला को कोई गलत बोलेगा, आपके प्रॉफिट को कोई गलत बोलेगा, क्या आप बर्दाश्त करोगे? अगर आपके रिलीजन को कोई गाली देगा, अगर आपके प्रॉफिट्स में से किसी को कोई गाली देगा तो आप बर्दाश्त करोगे? तो जब हम लोग बुरा भला नहीं सुन सकते हैं तो हम कैसे चाहेंगे कि हमारे मतलब सामने मतलब हमारे प्रॉफिट या नौज बिल्ला कुछ भी हो उनका कुछ यू नो अपमान किया जाए। तो सेम इज लाइक यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे कुर्बानी पे कोई बैन नहीं है अलबत्ता, लेकिन ये यहाँ पे लोगों में एहसास है, यहाँ पे इंसानियत है, यहाँ पे अगर रिलीजन मतलब देखिए धर्म कोई ये नहीं सिखाता है कि आप लड़ो, आप आपस में फाइट करो, आप किसी को यू नो आपने प्रॉफिट की कहानी भी सुनी होगी कि प्रॉफिट को जिस तरीके से मतलब आपने सुना होगा उस बूढ़ी अम्मा का किस्सा कि वो उनपे रोज कचरा फेंकती थी, लेकिन एक दिन वो बीमार हो गई थी तो प्रॉफिट ने किसी से पूछा था कि वो बूढ़ी अम्मा कहाँ है, उसके बाद वो उनको उनकी खबर लेने गए थे, हालांकि वो बूढ़ी अम्मा रोज उनके साथ गलत करती थी लेकिन फिर भी वो उनके पास क्यों गए? क्योंकि उनमें ह्यूमैनिटी थी, उनमें इस्लाम को बहुत ही गलत तरीके से पाकिस्तान में यू नो वो फैलाया जा रहा है। दैट इज वाई उसको टेररिज्म का हब कहा जाए, दैट इज वाई आज इस्लाम बदनाम है। अब आप बात कर रहे हो गौ माता की, तो या हम इस हमें तो इंडिया में आज तक ऐसी, हम भी बकरा ईद, मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं भी 20 सालों से यहाँ पे हूँ और 20 सालों से मैं कंटिन्यूसली ईद उल फित्र भी और ईद उल अज़हा भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो यहाँ पे तो कुर्बानियां होती है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि मतलब ये मैंने मतलब मैं गाय माता की क्या बात करूं कि मतलब अगर किसी हिंदू के सामने मुसलमान वो चीज कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो वो गलत है, बिकॉज वो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करना है, और मैं ऐसा तो कर भी नहीं सकती हूँ पहली बात। और वहां पे किसी यू नो फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स का तरीका अलग होता है, आई कांट कमेंट ऑन दैट थिंग, बट मी एज अ मुस्लिम मुझे भी लगता है कि ये चीज गलत है, क्योंकि मतलब किसी भी जुबान as I know Islam, इस्लाम के अंदर आप अगर फॉर एग्जाम्पल कुर्बानी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो वो आपका रिलीजियस मैटर है, ठीक है। इस्लाम इतना तंग नजर नहीं हो सकता कि वो किसी के होली सेलिब्रेट करने से इनसिक्योर हो जाए, राइट? तो व्हाट यू थिंक कि ये लॉ क्यों इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये रूल क्यों बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि होली सेलिब्रेट नहीं होगी? क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम यू एंड मी वी बोथ नो कि इस्लाम इतना छोटा मजहब नहीं है, ना ही इतना इनसिक्योर मजहब है कि उसको इस चीज से इनसिक्योरिटी हो जाए कि अगर लोग होली सेलिब्रेट करेंगे तो इस्लाम इनसिक्योर हो जाएगा, इस्लाम को लोग जो है ना मेंशन करना छोड़ देंगे या इस्लाम को हाईलाइट करना या प्रायोरिटाइज करना छोड़ देंगे। एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन ब्यूटी, हर रिलीजन का अपना अपनी खूबसूरती है, हर रिलीजन के अपने कुछ फेस्टिवल्स हैं, तौर तरीके हैं, सेलिब्रेशंस हैं, हर मजहब ये राइट अपने लोगों को देता है। तो आफ्टर दिस व्हाट डू यू थिंक, क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं दिए जाते, या फिर बात की जाए पाकिस्तानियों को मुसलमानों बिल्कुल पाकिस्तान में पाकिस्तान गलत तरीके से इस्लाम को यूज कर रहा है, इस्लाम का सुरक्षा कवच उन्होंने पहन लिया है, इस्लाम के अंदर वो चीजें है ही नहीं जो चीजें वो पाकिस्तान खुद ब खुद पता नहीं डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट्स में डिस्गस्टिंग लॉज मेक करके उनपे वो यू नो इम्पोज कर रहा है, थोप रहा है जो चीजें है ही नहीं इस्लाम में। तो मैं यही चीज बोलना चाहूंगी कि उनको सियासत के लिए या तो कश्मीर मिलता है, या तो बेचारे वहां की माइनॉरिटीज उनको बेचारों को झेलना पड़ता है, या तो फिर इस्लाम के नाम पे प्रोपेगेंडे करके जो है बाकी लोगों का जीना हराम करते हैं। मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को यू नो ऐसे लोगों को समाज में क्या, ऐसे लोगों को धरती पे रह
रहने का कोई हक नहीं है, जो किसी के रिलीजियस उनके हकूक होते हैं वो छीनने की कोशिश करे। एक कंट्री में भाईचारा होना चाहिए, एक कंट्री में तभी यू नो एक कंट्री तभी पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ जा सकती है, एक कंट्री तभी सक्सेस की तरफ जा सकती है जब वहां पे ऐसा सिनेरियो ना हो। अदरवाइज अगर आप देखते हो कि यू नो देखो आप किसी को, आपके इस्लाम में ये कहाँ पे लिखा है कि किसी को जबरन, किसी को जबरन उनके रिलीजियस यू नो चीजें अपनाने में, फॉर एग्जांपल को इस्लाम है, फॉर एग्जांपल हमारा इस्लाम है, तो ये कहाँ पे लिखा है कि आप किसी को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कराओ? आप मुझे बोलो। बस ये चीजें जो है ना ये सियासत के नाम पे खेली जाए, ऐसे लोगों को मुझे लगता है नंगा लटकाना चाहिए जो इस तरह के लॉज थोपते हैं, जो इस तरह के लॉज इंसानियत को शर्मसार करते हैं, न सिर्फ किसी रिलीजन के सेंटिमेंट से, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करते हैं बल्कि इंसानियत को शर्मसार करते हैं। लाइक इंसान जब ऐसी न्यूज़ें सुनता है ना तो लाइक इंसान में एक जज्बा आ जाता है कि क्यों यार, क्यों इंसानियत क्यों नहीं दिखती इनको? वह इस्लाम इस्लाम तो एक यू नो पीस का रिलीजन था, इस्लाम में तो यू नो भाईचारे को बढ़ावा दिया गया था, इस्लाम में तो ह्यूमैनिटी दिखाई गई थी, इस्लाम में तो इंसानियत दिखाई गई थी, तो लेकिन ये तो जाहिलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, ये तो जाहिलों जैसा बर्ताव कर रहे हैं माइनॉरिटीज के साथ, कहाँ गए अब इन लोगों का? ये तो इस्लाम के नाम पे धब्बा है, ये इस्लाम के, ये तो मुस्लिम नहीं है, ये तो क्या मैं बोलूं इनको, वो नहीं बोलते, वो यजीद है ये लोग जो दूसरे लोगों पर जुल्म थोपते हैं, जो दूसरे लोगों पर ऐसे लॉस थोपते हैं। भाई किसी को नहीं कर रहा इस्लाम आपका ये, किसी को नहीं चाहिए आपके लॉस, कोई अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहता है, किसी को नहीं है मतलब कोई नहीं बनना चाहते मुसलमान, क्यों थोप रहे हो उनपे? अब उनका भी त्यौहार आ रहा है, होली है, जैसे यहाँ पे मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं, वहां के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? मतलब ऐसे इतना जुल्म कैसे? मतलब मैं हैरान हूँ कि यार पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कब सुधरेंगे, कब? एक्चुअली फॉल्ट उनका नहीं है, उनके थोड़े यू नो कहते हैं ना कि जहालत, इल्म से ही जहालत दूर की जाती है, तो जब उनमें इल्म ही नहीं था तो जहालत कैसे दूर होगी? तो उनको आई थिंक मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग रखना चाहिए, तभी जाके वो यू नो ये चीजें समझ पाएंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि उनके बेजे में कभी ये बातें घुसेंगी, लेकिन फिर भी ये चीज बहुत ही गलत थी, ये चीज बहुत ही ये एक सियासी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए था, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान में मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, मुस्लिम की वाहवाही चाहिए, क्योंकि अब तो उनको पता ही है कि हमने अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, लोगों के साथ भी जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, महंगाई इस कदर बढ़ा दी है, पीओके गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, अब तो पता ही है कि लोग उनके अगेंस्ट भी हो गए, अपने ही पाकिस्तान में रह के कुछ लोग उनके अगेंस्ट हो गए, तो अब ये नया तरीका है सियासत खेलने का। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी किसी के रिलीजन पे ऐसे यू नो सियासत करना, ऐसे लोगों पे लानत होनी चाहिए। अच्छा फाइका, ये कहानी थी पाकिस्तान के उसके अबाउट। कुछ टाइम पहले हमारे पास एक ऐसी अपडेट आई थी जिसमें बताया जा रहा था कि होली सेलिब्रेट करने से इस्लामाबाद के अंदर कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर होली सेलिब्रेट की गई, बहुत ज्यादा हाइप मिली उसको। उसके बाद तीन हिंदू जो है लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होली सेलिब्रेट कर रहे थे, जिसके बाद वहाँ के स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया, उनपे मारा और उनको बहुत बुरे हाल में अस्पताल पहुंचा दिया गया। तो ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे सामने पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज को लेके, लेकिन आपको नहीं लगता कि फेस्टिवल का रिलीजन से कोई खासा ताल्लुक नहीं है? कि ये तो एक पीस का, मिलके बैठने का, बर्थडेज भी तो रिलीजन में नहीं है, बर्थडेज लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब बहुत सारे शादी के इवेंट इस्लाम में सिर्फ निकाह की इजाजत है, लोग मेहंदी, मायूं, ब्राइडल शावर और पता नहीं कौन कौन से शावर्स करके, वो सब भी तो सेलिब्रेशन है, वहाँ इस्लाम नहीं होता है, बट होली जब वो स्पेसिफिकली हिंदुइज्म के साथ लिंक कर दी गई है, तो जी वहाँ पे इनको इस्लाम दिखता है, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों को यू नो इस्लाम को अगर फॉलो करना है तो 100% यू नो सही तरीके से फॉलो करो ना। आप मुझे बोलो कि इस्लाम में कहाँ लिखा है कि आप बाल खुले रख के बाहर जा सकते हो? वहाँ पे तो क्लियरली यू नो पर्दे का हुक्म दिया गया है, ये भी तो दिया गया है कि हिजाब इज कम्पल्सरी, वहाँ पे तो कोई नहीं कहता, मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान में कोई हिजाब, नमाज 5 टाइम पढ़नी है, कितने लोग नमाज 5 टाइम पढ़ रहे हैं? वहाँ पे तो शराब तो इस्लाम में हराम है, कितने लोग शराब नहीं पी रहे हैं वहाँ पे? पॉर्न देखना तो इस्लाम में हराम है, कितने लोग पॉर्न नहीं देख रहे हैं वहाँ पे? आप मुझे बोलो ना। तो जब इन चीजों में इन लोगों को इस्लाम नहीं देखता है,
जब इन चीजों में झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, रिश्वतखोरी नहीं करनी है, किसी का यू नो किसी किसी पे वो दहशत गर्दाने हमले नहीं करने हैं, वहां पे इस्लाम क्यों नहीं दिखता है? वहां ऐसे ये फायदा। अच्छा पे तो ये तो इस्लाम नहीं नहीं दिखता है। पाकिस्तान की अगर बात करूं, हिंदूज की अगर बात करूं, इंडिया की, तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे प्रोपेगेंडास होते हैं जो दिखाए जाते हैं कुछ नहीं दिखाए जाते हैं अबाउट मुस्लिम्स। तो आप मुझे बताएं, आप भी मुस्लिम हैं, वहां रहती हैं, आप लोग तो कश्मीर में रहते हो, कश्मीर में तो 2014 के बाद चीजें बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई, और अब रिसेंटली G20 ने भी प्रूव किया कि कश्मीरी बहुत आजादी के साथ रह रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर रीजंस, व्हाट अबाउट अदर स्टेट्स, व्हाट अबाउट अदर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया, वहां पे क्या सूरत हाल है मुस्लिम्स? हैव यू एवर विजिटेड? वहां उनको सेलिब्रेशंस की करने दी जाती है? देखिए, सबसे पहले तो नतीजा आपके सामने ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं छुपती है। पहली बात तो आपने ये बोला कि इंडिया में भी ऐसे प्रोपेगेंडे होते हैं, तो ऐसा कोई प्रोपेगेंडा हमारा इंडिया ना चलाता है, ना ही कभी चलाया है। दैट इज वाई इंडिया आज शायद आगे है। और आपको मैं आपकी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ट्यून टैंक के नाम से शायद ही एक आपने, आई डोंट नो द नेम, प्रॉपर नेम नहीं पता मुझे, लेकिन वहां पे 95% मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने ये क्लेम किया है कि वी आर द पैट्रियॉट्स, वी आर द रियल इंडियंस एंड वी फील वेरी प्राउड। बहुत ही प्राउडली उन्होंने बोला है कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम भारत से बिलोंग करते हैं। तो आप मुझे बोलो, 95% मुस्लिम्स, अगर उनके साथ ऐसी तरीके की ज्यादतियां हुई होंगी, अगर उनको उनके रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करने दिए होंगे भारत में, अगर उनके साथ इस प्रकार की ज्यादती होगी, तो वो ग्लोबल लेवल पे इंडिया को फूल नहीं फेंकते, वो ग्लोबल लेवल पे सीधे सच्चाई बोलते। अगर एक दो बंदे, तीन बंदे, चार बंदे या 5% लोग, 50% लोग पेड है, 95% लोग पेड नहीं हो सकते हैं। तो पहली बात, पाकिस्तान में तो क्लियरली लोग बोलते हैं कि ऐसा है, वैसा है, पीओके में गिलगित, हम रोज सोशल मीडिया चेक करते हैं, वहां के तो लोग क्लियरली बोलते हैं कि हम इंडिया के पार्ट बनना चाहते, बिकॉज वो हमारा ही पार्ट है, वो हमारा ही एक रियाज, हमारी रियासत का एक अंदरून का हिस्सा है। लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के पास है, बदकिस्मती से उन लोगों पे जुल्म थोपा जा रहा है, बदकिस्मती से न सिर्फ पीओके के लोगों के साथ बल्कि पाकिस्तानियों के साथ भी, पाकिस्तानी जितने लाहौर से, कराची से, उनके साथ भी भर भर के जुल्म हो रहा है, भर भर के माइनॉरिटीज के मन तोड़े जाते हैं। अब अगर कहीं पे मस्जिद तोड़ जाए, ओ वो गुनाह हो गया, मस्जिद तोड़, क्या वो लोगों के ये नहीं है? वो लोगों में पाप नहीं होता है? वो लोगों में कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं होता? उनकी कोई रिलीजियस फीलिंग नहीं होती है? मतलब अपने इस्लाम को तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलते हो, लेकिन जब बात आती है दूसरे के रिलीजन की, तो नहीं यार, ये तो है ही नहीं इस्लाम में। तो क्लियरली इस पे बोला गया, हाँ मन बोला गया है, आपने बोला पाकिस्तान का पीओके और पाकिस्तान के ये जो पार्ट्स हैं बदकिस्मती से इनके साथ हैं, वरना वो हमारे होने चाहिए थे। तो जो पाकिस्तान कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का दावा करता है कि वो हमारा है, तो क्या वो फिर हमारा नहीं होना चाहिए था? देखिए, ये पहली बात मैंने आपको पहले ही बोला है कि जम्मू कश्मीर से, इंडियन जम्मू कश्मीर से जितने भी लोग आपको यहाँ पे आ गए, क्लियरली यहाँ पे एक्सेशन साइन हुआ था, तो ये इंडिया का ही पार्ट है, ये पाकिस्तान का कोई, पाकिस्तान दावा करता है, लेकिन यहाँ के लोग क्या बोलते हैं वो मैटर करता है, और पीओके के लोग क्या बोलते हैं वो मैटर करता है। वहां की रोज वीडियो सामने आती है कि जहाँ के लोग, वहां यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, नॉट ओनली पीओके बट ऑल्सो फ्रॉम योर पाकिस्तान टू, जो कि टर्की में बैठा बंदा इंडिया को प्रेज कर रहा होता है कि वेयर इज इंडिया, यू नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आपके यू नो पीओके से लोग क्लियरली ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को बधाइयां देते हैं, प्रधानमंत्री के लिए अच्छे शब्द यूज करते हैं, इंडिया के लिए जो मतलब उनका प्यार दिखाई देता है। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि हम इंडिया के पार्ट है, वहां पे तो ट्राइबल इन्वेजन हुआ था, वो तो हमारा पार्ट था, वो कब्जे में हुआ था। That is it. That is why हम facts पे बात करते हैं, हम proof दे के बात करते हैं। बाकी पाकिस्तानी ये claim करेगा कि वो कश्मीर हमारा है, जबकि कौन सा कश्मीर है भाई उनका? उन्होंने तो कबालीज भेजे थे यहाँ पे invasion के लिए, उन्होंने तो कबालीज को यहाँ पे भेजा था, और तब जाके यहाँ पे यू नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ट्रीटी ऑफ एक्सेशन भरपूर साइन हुआ था यहाँ पे, बाजाबता लॉज के तहत, बाजाबता रूल्स के तहत, बाजाबता रेगुलेशन के तहत। और या दिस इज इंडियन कश्मीर, दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एंड सोन पीओके विल बी द पार्ट ऑफ दिस कश्मीर ऑल्सो, जहां पे मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो बनेगा ही बनेगा, बिकॉज उन लोगों के साथ बहुत ही जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज के साथ, हर वैसे वैसे पाकिस्तान का मुझे प्रोपेगेंडा समझ ही नहीं आता है, अपने लोगों के साथ जुल्म करता है और बात छेड़ता है।